हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए कॉर्नफ्लेक्स बन बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 बड़े चम्मच टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, नमक, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक कम डालिए क्योंकि चाट मसाला भी हमने ऐड किया, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एज पर यू टेस्ट। इन सबको डाल के हमें बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर उसके बाद हमें उसकी एक बहुत ही अच्छी सी पेटी तैयारी करना है, बर्गर पेटी टिक्की। और ये देखिए, इसी तरह सारी पेटीज़ हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 कप मैदा ले रही हूँ, इसमें 2 पिंच मैं नमक डाल रही हूँ, और पानी, थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें ऐड करके इसकी एक स्लरी रेडी करना है, वो भी बिना लम्स के। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बनाएंगे तो बिना लम्स की ही स्लरी रेडी होगी, अगर साथ में पानी डालेंगे तो हो सकता है उसमें लम्स आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी स्लरी रेडी हुई। इसी तरह रेडी करके उसमें हमें अपनी पेटीज़ को अच्छे से डिप करना है, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे, और दोनों साइड से और कॉर्नर से हमें इसको बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करना है, और जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स लगा रहेगा उसको प्लेट में ही हमें निकाल देना है, और उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है ऑयल में। दोनों साइड से हमें गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए एक साइड से हो गई, मैं अब इसको फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे निकाल के। यहाँ पे मैंने बन ली है, जिसको मैं बीच से कट कर रही हूँ। अब इसमें हम मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों पार्ट में हमें मेयोनीज़ इसमें लगाना है, और दोनों पार्ट में हमें केचप लगाना है। केचप की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें हम अनियन स्लाइस, प्याज की स्लाइस ऐड करेंगे, टोमेटो स्लाइस, टमाटर की स्लाइस ऐड करेंगे। अब इसमें हम अपनी पेटी रखेंगे, बर्गर पेटी जो हमने अभी पोटैटो की रेडी किया है, उसके ऊपर हमारी चीज़ स्लाइस, और ये हमारी जो हाफ बन है इसके ऊपर रख के, और एक टूथपिक से इसको इसी में फिक्स कर देंगे, ताकि आगे हमें ईजी रहे। इसी तरह सारे बंस हमने देखे बर्गर्स रेडी कर लिए हैं, इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैं 1/4 कप मैदा ले रही हूँ, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भी एक स्लरी हमें रेडी करना है। इसकी स्लरी भी बिना लम्स की होनी चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे स्पून को अच्छे से कवर कर रही है। आप देख रहे हैं ना, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम अपने बर्गर्स जो हैं इसी स्लरी में डिप करेंगे। थोड़ा मैसी है लेकिन अच्छा है, और आगे फिर कॉर्नफ्लेक्स को जो मैंने क्रश कर लिया हैंड से, इसको अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सारे बर्गर्स हमने कोट कर लिए हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सेट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसको फ्लिप करके दोनों साइड से हमें गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इसको अब हम लोग देखिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना सुंदर लग रहा है उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी है। आप इसकी आवाज़ यहाँ पे सुन सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे म्यूट नहीं किया है। ये बहुत ही क्रंची है। अगर रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।